नमस्कार, मैं वॉइस ऑफ नेशन बिंदु कुमार कश्यप। अभी मैं ऐसे इंसान से मिलने जा रहा हूँ, ऐसे शख्स से मिलने जा रहा हूँ जो लगातार प्रयास कर रहे हैं गरीबों के बीच में। ये इतनी बड़ी संकट होने के बावजूद जो कोरोना जैसी गंभीर बीमारी चल रही है उसको लेकर वो पहुंचाने का काम करें, गरीबों के बीच में अनाज बांटने का काम कर रहे हैं जब से लॉकडाउन हुआ है तब से। वैसे शख्स जाइएगा कहीं नहीं, मैं उसी शख्स से आपसे मुलाकात करवाता हूँ। वो है झाझा के बबलू केसरी जी, जो खुदरा विक्रेता संघ के आपके अध्यक्ष भी हैं। तो जी हाँ, जाइएगा नहीं, बने रहिएगा वॉइस ऑफ नेशन के साथ। आपके संगठन के द्वारा जो सामाजिक कार्य किया जा रहा है, क्या आपके संगठन के कार्यों से किसी अन्य को प्रेरणा नहीं लेना चाहिए? अन्य लोगों का भी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वे लोग भी गरीबों की मदद करें? क्या सारी का सारा टेंडर खुदरा व्यापार संघ ही ले रखा? क्या कहना है आपको मीडिया से, क्या कहना चाहेंगे आप? जी वीरेंद्र जी, यह सवाल आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमें दूसरे का मुंह नहीं देखना है। हमको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के जो सामाजिक रूप से हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, ये हमारे संगठन का सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि भूखे को अनाज देना है, प्यासे को पानी देना है, और जो गरीब है, जो बहुत दिक्कत में है, उनके यहाँ हम हर तरह का सुविधा मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। ये मेरा नैतिक जिम्मेवारी है, ये मेरा संगठन का प्रथम उद्देश्य है। हमें दूसरे संगठन से कोई लेना देना नहीं है। लोग क्या करते हैं इससे हमारे कोई मतलब नहीं है। हम अपना संगठन का उद्देश्य और गरीबों का जो मदद करना है वो हम कर रहे हैं। ऐसा करके कैसा महसूस करते हैं वीरेंद्र बाबू? आज सच पूछिए तो हमें इतनी खुशी होती है, आत्मसंतुष्टि होती है। हमारे तमाम संगठन के साथी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आ पाए हैं इस भीषण आपदा के समय, जब पूरा देश जो है लॉकडाउन में, और उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत गरीबों के साथ जो हो रहा है। अगर हम गरीबों के किसी काम में आ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। ये मेरे लिए त्योहार से भी बढ़कर एक खुशी मनाने वाली बात होती है जब गरीबों का मदद हम करते हैं तो। सर, कितने दिनों से आप लगे हुए सर गरीबों को मदद में, और कौन कौन से गांव में गए हैं सर अभी तक? सच पूछा जाए तो हम दिन की गिनती नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं जब से लॉकडाउन हुआ है और गरीबों के साथ परेशानी बढ़ गई है, हम तब से रोज का रोज कहीं न कहीं किसी न किसी गांव को चिन्हित करते हुए शासन प्रशासन के सहयोग से और अपने संगठन की तरफ से हम उस गरीब गांव में जा करके उस गरीब की मदद करते हैं और उनकी पीड़ा को हरने का काम करते हैं। जी हाँ सर, एक सवाल है आपसे सर कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि लाइट जलाना है 5 तारीख को, उसकी उससे आप कहाँ तक सहमत हैं सर? जी ये बहुत बहुत अच्छी बात आप पूछे हैं बिंदु जी। बात ऐसा है कि आज मोदी जी जो घोषणा किए हैं अपने देश के लिए कि रविवार के दिन रात 9:09 तक जो लाइट का व्यवस्था करने के लिए बोले हैं, वह एक बहुत साइंटिफिक कारण भी है। और हम मोदी जी के इस आह्वान को अपने संगठन की तरफ से और अपने तमाम झाझा के व्यवसायियों की तरफ से इसका पूर्ण समर्थन करते हैं और पूरे हिंदुस्तान और झाझा हिंदुस्तान वासी से कहते हैं कि इस तरह की बात को आप लोग अपनाइए और मोदी जी के साथ चलिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.